वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ऑलमोस्ट सारी थ्योरी पढ़ ली थी, जनरल एंट्री सीख ली थी, प्रीमियम की एंट्रीज भी सीख ली थी, और जो फर्स्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल होती है, एक ऑथोराइज कैपिटल होती है, एक इशूड कैपिटल होती है, एक सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी होती है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है बच्चों, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उसमें से पब्लिक कितने खरीदने में इंटरेस्टेड है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड। एक कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं कि 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, वो चाहती है कि मैं मार्केट में 10,000 शेयर्स अपने इशू करूं, क्या पब्लिक 10,000 शेयर्स ले रही है? ऑफर तो पब्लिक को ही आता है। अगर तो पब्लिक ले रही है, इट्स गुड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वही होती है जितने शेयर पब्लिक ले रही है। अब होता क्या है, तीन केस बनते हैं, कभी 10,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, कभी एग्जैक्ट 10,000 की आएगी, और कभी 10,000 से कम की आएगी। तो जब पूरी पूरी आती है तो इशू हो जाता है पार पे, यानी कि ना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ ना अंडर। अगर ज्यादा आता है दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कम आता है तो कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम 10,000 शेयर इशू कर रहे थे, 9,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो 9,000 से सारी एंट्रीज पास कर दो, कहानी खत्म हो गई, कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा की आ जाती है, तो फिर कंपनी क्या करती है, चलिए सीखते हैं आज की क्लास में। वेलकम बैक। हां जी बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखिए जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है अगर उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाएगी, तो कंपनी के पास दो तीन ऑप्शंस होती हैं। एक होती है रिजेक्शन, यानी कि एक्स्ट्रा को सीधा सीधा कंपनी क्या करेगी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्ट करके उनके पैसे वापस दे देगी, ठीक है, रिजेक्ट एंड मनी रिफंड। राइट। दूसरा ऑप्शन होता है पार्शियल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट क्या होता है बच्चों, पार्शियल अलॉटमेंट है, जैसे मान लो कोई एक बंदा तो अप्लाई करता नहीं है, बहुत सारे बंदे होते हैं, किसी ने कितने मांगे, किसी ने कितने मांगे, किसी ने कितने मांगे, तो कंपनी क्या करती है, किसी को पूरे दे देती है, किसी को आधे दे देती है, किसी को 90% दे देती है, और किसी के सारे ही पैसे वापस दे देती है कि भाई तेरे को शेयर्स नहीं दे रहे। अब क्यों नहीं दे रहे, ये तो कंपनी को पता होता है, कंपनी की पॉलिसी होती है। ऐसा नहीं है कि शक्ल अच्छी नगरी बंदे की तो शेयर्स नहीं दी, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, जो छोटे 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 शेयर्स होते हैं उनको नहीं देती, रिजेक्ट कर देती है। क्यों कर देती है, क्योंकि कंपनी का काम बढ़ जाता है, एक ही बंदा ज़्यादा ले ले कहानी खत्म हो जाती है ना। एक ये साइकोलॉजी होती है, एक थोड़े से रूल्स होते हैं, बाकी कंपनी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कंपनी किस बिहाफ पे देती है, बट ये तरीका होता है। तो वो होती है पार्शियल, किसी के साथ कुछ किसी के कुछ। पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है, कि सबके साथ हम एक जैसे नहीं हैं, तो पार्शियल अलॉट पे। बात समझ में आ गई? तो ये कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। जो तीसरा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और यही पेपर में आएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है बच्चों, प्रोराटा अलॉटमेंट होता है कि हमने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करी, सबको रेशो में शेयर्स दिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कंपनी इशू तो कर रही थी 10,000 शेयर्स, कितने एप्लीकेशन आ गई 12,000 शेयर्स की, रेशो निकाल लो, क्या रेशो बन गई, 6:2, यानी कि जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितने मिलेंगे, 5, जिसने 60 के लिए अप्लाई किया उसको 50, जिसने 600 के लिए अप्लाई किया उसको 500, सबकी रेशो सेम है, किसी की भी रेशो कम या ज्यादा नहीं है। प्रोराटा और पार्शियल मिला के आ जाते हैं कभी कभी, जैसे मान लो 12,200 की एप्लीकेशन आ गई, तो कंपनी क्या करती है, रेशो निकालने में गड़बड़ हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है, 200 शेयर को रिजेक्ट मारा, बाकी सबको प्रोराटा के हिसाब से दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, बट वो गिना प्रोराटा में ही जाएगा। अब इस केस में होता क्या है बच्चों, पैसे एक्स्ट्रा आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इंसान अप्लाई करता है वो साथ में क्या भेजता है, एप्लीकेशन मनी भेजता है, तभी हमें पता चलता है ना कौन अप्लाई कर रहा है। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, उन पैसों का क्या करना है, उन पैसों को हम क्या करते हैं, वापस भी दे सकते हैं, अगली कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट भी करते हैं। अब जिसके तो रिजेक्ट कर दिए उसके तो वापस देने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, वापस देने की एंट्री क्या हो जाएगी, जो लेने की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उल्टी हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, कहानी खत्म, उनकी तो उनकी टेंशन नहीं है।
अब आ जाओ किस पे, इस केस पे, जब हमने किसी को कम दिए, किसी को ज्यादा दिए, किसी को पूरे दिए, राइट। तो उसमें जिसके भी एक्स्ट्रा पैसे आए होते हैं उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी कि वापिस करने हैं कि अगली अगली कॉल पे एडजस्ट करने हैं। उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनती है जो अब हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू सीखना शुरू करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन पेज नंबर 9.114 क्वेश्चन नंबर 14, ओके। पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है ओवर सब्सक्रिप्शन का। Faber Limited invited application for 7,000 equity shares of 100 each. The application money received rupees 30 per share was 27 lakhs. देखिए, यानी कि 27 lakh rupees divided by 30 rupees था ना, तो कितने की आई होगी, यानी कि 90,000 की application आई होगी। और हम issue कितने कर रहे थे, 70,000, क्या हो गया ये ओवर सब्सक्रिप्शन। तो उसने इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि बताओ भाई कौन से तीन ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो ये तीनों ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, आपको इतना ही बताना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, संगम मार्बल्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है। अगर सारे पैसे पूरे पूरे एडवांस मांग लिए, क्या सारे पैसे पूरे पूरे एडवांस मांग लिए, तो भी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि आगे की कोई कॉल्स ही नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करनी, तो जिसके भी एक्स्ट्रा पैसे क्या कर दो, वापिस कर दो, सिंपल है। अगर मान लो मैंने तुमसे दोबारा पैसे लेने हैं और तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं, फिर तो मैं एडजस्ट करूं। फॉर एग्जांपल कि तुमने मुझे दिसंबर में ज्यादा फीस दे दी, तो मैं क्या करूंगा, जनवरी में एडजस्ट कर दूंगा। पर अगर तुम मुझे मार्च में ज्यादा फीस दोगे, तो अप्रैल में तुम पढ़ने वाले हो नहीं ना, बोर्ड खत्म हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा पैसे वापिस दे देते हैं और कुछ नहीं करना होता। बात समझ में आ गई। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, संगम मार्बल्स लिमिटेड डिवाइड, चलिए तो सीधा सीधा है, 20,000 रुपए क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इस पे कितने रुपए लेने हैं, 100 रुपए। सारे के सारे कब आने हैं, एप्लीकेशन पे आने हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर, जिसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई होगी, 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। एंट्री किससे होगी, 25,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 25,000 × 100 कितना हो जाएगा, 25 लाख। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, जितने पैसे हमारे पास आए हैं, टू शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखना बच्चों, शेयर कैपिटल में उतने ही पैसे जाते हैं जितने हमारे एक्चुअल शेयर्स हैं और जितने पैसे हमने मांगे थे, ठीक है, यानी कि 20 लाख रुपए। बाकी के 5 लाख का क्या करेंगे अब, अगर तो अलॉटमेंट होती, फर्स्ट कॉल होती, तो क्या करते, एडजस्ट कर लेते, पर अब क्या करेंगे, वापिस देने पड़ेंगे, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, तो वापिस कर देंगे टू बैंक अकाउंट कंबाइन एंट्री पास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ेंगे, पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे ताकि हमें बाद में बुक की जरूरत पड़े ही ना। ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ध्यान रखना, एक तो ये ₹10 लाख लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि अगर रुपीज वर्ड है तो वो रुपए हो गए, वो शेयर्स नहीं है, याद रखना। उसको फिर शेयर्स में कन्वर्ट करना है। डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कि क्या हो गया, हमारे पास 1 लाख शेयर्स है इनटू 10 रुपए के, तभी ये हमारी 10 लाख रुपए की कैपिटल बनेगी। ओके, इशूड 50,000, इसमें से इशू कितने कर रहे हैं हम, 50,000 इशू कर रहे हैं, ये हो गए हमारी इशूड कैपिटल। अब लोग ले कितने रहे, ये होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, मैंने कहा था ना थ्योरी बार बार रिवाइज होती जाएगी, टेंशन मत लेना। ओके, 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10, तो हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, हम 50,000 इशू कर रहे हैं, कितने रुपए में, 13 रुपए में कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर रही है। ठीक है,
कैसे आएंगे जी? एप्लीकेशन पे आएंगे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2+3। ओके, ऑन फर्स्ट कॉल फिर से ₹3, कितने हो गए शेयर के? 3 और 2, 5 और 3, 8, ₹2 रह गए। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अब ये एक कंसर्न है, यानी कि कंपनी ₹2 मांग ही नहीं रही, कह रही है रहने दो रखो, जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? और इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? अभी तक तुमने एक वर्ड पढ़ा होगा कैपिटल रिजर्व, पर ये कैपिटल रिजर्व नहीं होता, कैपिटल होते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, जब हमने कोई एसेट बेचा हो, कंपनी जब एसेट्स बेचती है, यानी कि जो कि उनका नॉर्मल काम नहीं है, और उस पर अगर प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। ये क्या होती है हमारी? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज अनकॉल्ड कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। बात समझ में आ गई? यानी कि कंपनी कह रही है अभी जरूरत नहीं है, अपने पैसे रखो, जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, वरना इसी से काम चला के तुम्हें कमा के देंगे, यानी कि और फायदा। बात समझ में आ रही है? शेयर होल्डर्स खुश हो जाते हैं इस पे। चलिए आगे वो क्या कह रहा है, ठीक है, बाद में, तो ये अभी नहीं मांग रहे, यहां तक ही हमारी कहानी खत्म हो गई, ₹2 भी मांगे ही नहीं है। आगे वो कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। लो जी, हम कितने इशू कर रहे थे? हम तो कर रहे थे 50,000 शेयर्स, और हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आ गई? 60,000 शेयर्स की आ गई। आगे वो क्या कह रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो समझते जाओ। हमेशा इसको अप्लाइड अलॉटेड की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? जिससे उसकी रेशो भी निकले, ठीक है, अप्लाइड अलॉटेड, याद रखना ये। ठीक है, वो कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल, यानी कि जो 40,000 वाले थे उनको हमने पूरे 40,000 दे दिए, नो एडवांस। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000, यानी कि जिसने 15,000 मांगे थे उसको कितने दिए हमने? सिर्फ 8,000। आगे कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर्स अलॉटमेंट एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न्ड। एक और था कोई जिसने 5,000 मांगे थे उसको हमने कितने दिए? सिर्फ, और इसकी एक्सेस मनी जो है वो रिटर्न कर दी, आगे नहीं लेके गए। लेकिन ये लाइन इसने ऊपर वाले के साथ नहीं लिखी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इसके पैसे वापिस नहीं करे, ठीक है। अगर ये लाइन नीचे लिखी होती, थर्ड के भी नीचे, तो हम क्या मान लेते कि सबके पैसे वापस दे दिए। पर अब अंग्रेजी को समझिए, यहां पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। अगर यहां पे भी कॉमा लगा हुआ होता तो भी हम ये मान लेते कि इसके पैसे भी वापस कर दिए होंगे, पर क्योंकि वहां फुल स्टॉप लगा और यहां कॉमा लगा है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि सिर्फ तीसरे वाले बंदे के पैसे वापस करे हैं, दूसरे वाले बंदे के पैसे वापस नहीं करे। ओके है बेटा, हाँ 2 मिले, बाकी 3,000 के पैसे वापस कर दिए उसके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ये बात की कहानी है, हम सब बाद में देखेंगे। ओके चलिए, अब हमें क्या करनी है? अब हमें एंट्रीज करनी है। चलिए देखिए, इसके कितने शेयर्स पे, कितने शेयर्स इसको हमने नहीं दिए? 7,000 शेयर्स नहीं दिए। 7,000 शेयर्स पे इसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए होंगे? 21,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसे आ गए। ये क्या आ गए इसके? जो वापस देने हैं। और इसके 3,000 शेयर्स पे ₹3, यानी कि 9,000 वापस देने। ठीक है, इसके कितने हो गए? चलो एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको, थोड़ी सी लेंदी होती है, पर उस टेबल को बनाने से ना काम आपका बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। 7,000 वापस थोड़ी करने, क्यों बेटा? 15 वाले को 8 दिए तो 7,000 के पैसे वापस करने। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बनाते हैं बच्चों टेबल को, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पूरी टेबल बना देता हूं दोबारा से। चलो ₹5,000 टोटल हो गया।
ओके क्या लिखेंगे? पहला कॉलम मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे? मनी रिसीव्ड। फिर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी, फिर लिखेंगे एक्सेस मनी, ठीक है, फिर लिखेंगे अलॉटमेंट, ठीक है, फिर लिखेंगे, फर्स्ट कॉल तक तो जाएगी नहीं, चलो बैंक, ये लिखना होता है। बीच में फर्स्ट कॉल चाहो तो आप लिख सकते हो अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे आए हो तो, वरना कोई जरूरत नहीं होती। देखिए इसके कितने पैसे आए होंगे पहले बंदे के, 40,000 के अप्लाई किया तो 40,000 इंटू तीन कितने पैसे आए होंगे? 1,20,000। इसकी एप्लीकेशन मनी बनती कितनी है? इसको पूरे शेयर्स दिए, इसकी एप्लीकेशन मनी भी कितनी बनती है? 1,00,000। तो इसकी एक्सेस मनी है? नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, कहानी खत्म होगी इसकी तो। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे। 15,000 शेयर्स पे इसने कितने पैसे दिए होंगे? 3 रुपए के हिसाब से 45,000। इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है? जितने हम इसको शेयर्स दे रहे हैं तो 24,000 रुपए। तो इसके एक्स्ट्रा पैसे कितने आ गए? अब क्या करेंगे, ये कहां डाल देंगे हम? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितनी बनेगी? 8 × 5 40,000। अगर तो अलॉटमेंट 21,000 से कम होती, क्या? अगर तो अलॉटमेंट 21,000 से, तो हम कम पैसे डाल के बाकी फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर करते। भाई उसकी बनती अलॉटमेंट कम है तो ज्यादा थोड़ा डाल दोगे, ज्यादा नहीं डाल सकते कभी भी। इसलिए हमेशा क्या करना है? चेक करना है। यहां पे फिर समझा रहा हूं, यहां पे चेक करना है कि क्या उसकी अलॉटमेंट इससे कम है या ज्यादा है। अगर तो ज्यादा है फिर तो सारे के सारे अलॉटमेंट पे डाल दो, पर अगर कम है तो कम वाला अमाउंट ही यहां जाएगा, बाकी पैसे या तो फर्स्ट कॉल में जाते हैं या वापस हो जाते हैं। तो फिलहाल ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? सारे के सारे डाल देंगे कहां पे? अलॉटमेंट में, बैंक में कुछ नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अब आ जाओ इस पे, कितने पैसे दिए होंगे? 15,000। एप्लीकेशन बनती कितनी है? 6,000। एक्स्ट्रा पैसे कितने? 9,000। क्या अलॉटमेंट में डालने? नहीं, क्यों? क्योंकि मना कर दिया। क्या करना है? रिफंड, यानी कि बैंक में डालने। ठीक है बच्चों, इसको टोटल कर लो, तुम्हारी पहली दो एंट्रीज निकल के आ जाएंगी। इसको ऐड करो, 180। इसको करो 150, 30, 21, 9,000। इस कॉलम की हमें जरूरत वैसे होती नहीं एंट्रीज के लिए, ये सिर्फ हम अपने सहूलियत के लिए बनाते हैं। अब एंट्रीज कैसे बनेगी? देखो, पहली एंट्री बनेगी सिर्फ इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे आए हैं, मनी रिसीव से लिखते हैं ना पहली एंट्री, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 1,80,000। कैसे आया? 60,000 × 3। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। जो जो कॉलम तुम्हारे पास हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? आए कितने पैसे हैं? 1,80,000। शेयर कैपिटल में कितने बनेंगे? अलॉटमेंट में कितने बनेंगे? बैंक में कितने जाएंगे? तो ये टेबल बनाने से आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अंडरस्टूड सबको? कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। चलिए अब आगे देखते हैं, सेकेंड एंट्री क्या बनती है हमारी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू SPR, यही बनेगी। कितने पैसे मांगे हमने? 5। इस एडजस्टमेंट मतलब इस एडवांस का इस एंट्री से कोई लेन देना नहीं होता, याद रखना, ड्यू हमेशा पूरे पैसे होंगे। तो कितने आ जाएंगे? 50,000 × 5, 50,000 × 2, 50,000 × 3, तो ये आ गए 2,50,000, ये आ गए 1,00,000 और ये आ गए 1,50,000। ओके, अब आ जाओ बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने लिखेंगे? अब 2,50,000 में से 21 तो हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं,
तो कितने आएंगे? जिसने एक बार दे रखे हैं वो दोबारा तो देगा नहीं, वो भाई 21 तो मैंने दे रखे हैं बाकी के ले ले, तो टोटल में से भी 21,000 नहीं आएंगे, तो कितने आ जाएंगे? बाकी आ जाएंगे 2,29,000 रुपीज आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल पे, क्या एंट्री होनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए है? 3 रुपीज। कितने पे? 50 पे, यानी कि 1,50,000। क्या कोई एडवांस है? फर्स्ट कॉल का कोई एडवांस नहीं है। क्या किसी ने पैसे नहीं दिए? हाँ नहीं दिए। किसने नहीं दिए? एक किसी बंदे ने नहीं दिए। तो बच्चों जो नहीं दिए उसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं, जो भी शेयर होल्डर अगर कहीं पे पैसे नहीं देता तो बच्चों वो होती है कॉल्स इन एरियर्स। क्या होती है? और कॉल्स इन एरियर्स को हम बुक्स में शो कर भी सकते हैं और नहीं भी करते। नहीं करना बेटर होता है फोर फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन किसका आएगा? फोर फीचर का। तो मैं आप सभी को समझा रहा हूं कि एक ही मेथड पे रहें, हम बुक्स में कॉल्स इन एरियर्स को शो नहीं करेंगे। तो हमने क्या करना है? हमने सिर्फ पैसे कम करके लिख देने हैं। तो एक बंदे ने पैसे नहीं दिए जिसके पास कितने शेयर्स थे? 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स पे 3 रुपीज नहीं आए, तो कितने नहीं आए? 300 रुपए नहीं आए। बाकी आ गए? हाँ आ गए, लिख देते हैं 1,49,700। और सेकंड कॉल के लिए कंपनी ने बोल दिया है कि जब जरूरत होगी तब मांगेंगे, अभी जरूरत नहीं है। अब बताओ अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है भाई? अगर तू मेरे पास 3 सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ने आता है, 1,000 रुपए फीस है, कितने पैसे देगा? जोर से बोल। वाह रे वाह, पढ़ाई छोड़ दो बेटे, 1,000 रुपए पर सब्जेक्ट फीस है। गुड, मैंने तुझे पढ़ाए दो ही सब्जेक्ट, तेरे कितने पैसे रह गए मेरे पास? दैट इज कॉल्ड एक्सेस मनी, जो मैं या तो तुझे वापस दूंगा या तेरी अगले महीने की फीस में से एडजस्ट कर दूंगा, यही तरीका होता है। बच्चों ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लाइफ में बहुत बार आप लोगों ने ये किया होगा, नॉर्मली जब अपने मोहल्ले की दुकान से हम सामान लाते हैं, कभी उधार कराते हैं तो कभी पैसे एक्स्ट्रा छोड़ आते हैं, ठीक है। और जो प्रेस वाले होते हैं वो सारे तो ये बहुत ही करते हैं कि जी 50 रुपए दे दिए, खुले नहीं है, अगली बार एडजस्ट कर लेना। दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, वही यही एडजस्टमेंट हमने करी है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, मम्मियां रोज करती हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ सिस्टमैटिकली लिखना है, इसीलिए आप अकाउंटेंट कहलाते हो, वरना मम्मी भी अकाउंटेंट हो जाती। होती तो तुमसे अच्छी है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सिस्टमैटिकली नहीं लिखती, हम लोग सिस्टमैटिकली लिखेंगे। बात समझ में आ गई? अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछो, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर, पढ़ते रहिए।